हेलो गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बोला था कि ऐसे कि हमारे कौन सी जगह है जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा बोट मिलते हैं और अपनी हम कॉन्करेंट पॉइंट्स के भी केडी को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि रियल बंदे मारोगे कैसे मारोगे भाई। लास्ट के सर्कल में 40-50 बंदे रह जाते हैं, और 40-30-35-50 जितने भी बंदे रह जाते हैं लास्ट के सर्कल में, बहुत बंदे रह जाते हैं। अगर कॉन्कर लो भी आ रही तो आप अच्छे क्राउन प्लस आप पहुंच गए हो तो आपको रियल बंदे मारोगे तो सेंटर में जाओगे तो आपको हैकर बहुत मिलते हैं, ठीक है। आपको हैकर, हद से ज़्यादा हैकर मिलते हैं भाई। एक गेम में 4-4, 5-5, 6-6 हैकर मिलते हैं। और ESP तो मेरे को लग रहा है 90% लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था ESP बहुत लोग इस बार यूज़ कर रहे हैं लॉकडाउन के चक्कर में। रैंक पुश बहुत बंदे कर रहे हैं और ESP भी बहुत बंदे यूज़ कर रहे हैं इस बार। जो बंदे ESP यूज़ कर रहे हैं उनका तो छोड़ ही दो अलग, पर आपको केडी ड्यूटी मेंटेन रखना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल सही है। उससे पहले मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप लोग कैसे ज़्यादा पॉइंट प्लेस कर सकते हो। वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पर विजिट करो, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी इससे पहले वाली वीडियो, तो उसको देख लेना जाकर, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपको हमारे इरिंगल मैप की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैं ज़्यादा मैप कोई नहीं खेलता, इरिंगल ही मैप मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और वही मैं खेलता हूँ। आप लोग बताना कि कमेंट में कि आप लोग कौन सा मैप सबसे ज़्यादा खेलते हो, ठीक है, बताना ज़रूर कमेंट में यार। सबसे ज़्यादा मैप आप लोग कौन सा अच्छा लगता है आपको, सबसे ज़्यादा मैप अच्छा तो सबको रेंगली लगता होगा, पर आप खेलते कौन सा सबसे ज़्यादा रैंक उसके लिए। मैं तो रेंगली पसंद करता हूँ, रेंगल खेलता हूँ, और वैसे तो स्क्वाड में मेरे मामा सब खेल लेता हूँ। तो रेंगल मैप की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा हमें बोट कहाँ पर मिलते हैं। आप देखो, कुछ बंदे क्या सोचते हैं कि अगर वो साइड में उतरेंगे जाके, ठीक है, बिल्कुल साइड में उतरते हैं, सेवरनी हो गया और ये हमारे कमाक्सी हो गया, जर्की हो गया, सेवरनी तो फिर भी ऑल ड्रॉप बन गया अगर प्लेन पार्क वहाँ से जाता तो, फिर भी जो हमारे साइड वाली जगह है ना वो बंदे वहीं पर उतरते हैं। वहाँ पर क्या होता है, कभी बोट मिल जाते हैं एक दो, बाई चांस है कि आपको एक दो बोट मिल गया, वरना कभी कभी बोट भाई एक भी नहीं मिलता पूरे मैच में सर्वाइव करना। अगर आप सेंटर में उतरोगे तो आपको हैकर मार जाएगा, कोई फायदा नहीं है। पर आपको जो मैं ट्रिक बताऊंगा इसकी मदद से आपको बोट वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोट मिलेंगे भाई। मैं तो जितनी बार गया हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा बोट मिलेंगे, और अगर हो सकेगा तो लाइव प्रूफ अभी वीडियो भी आगे डाल दूंगा अगर मैं खेला तो, ठीक है। वरना आप लोग जाके खुद देखना और फिर कमेंट करके बताना कि आपको बोट मिले वहाँ पे नहीं मिले, ठीक है। तो देखो, हम बात करने वाले हैं, अगर पुचिंगे के ऊपर जो आपने देखा होगा दो भानोस और दो घर होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, अभी मैं छोड़ गया ना इस वीडियो को, कि समझो कि भाई देख लिया और हो गया हमारा काम, यहाँ पे जाएंगे तो बोट मिल जाएंगे। पहले ध्यान सुन लेना, जाओ कहीं मर जाओ वहाँ पे, तो आपको देखना है प्लेन अगर वहाँ से जाती है, ठीक है, उसके 700 मीटर अंडर प्लेन जाती है, कहीं से प्लेन जाती है कि आप वहाँ पे इजी पहुँच सकते हो, तभी आपको उस जगह पर उतरना है। पुचिंगे के ऊपर जो चार घर होते हैं, दो बानोस और दो घर होते हैं, अगर वहाँ पे होते हैं तो आपको वहाँ पर उतरना होगा। तो वो वहाँ पे अगर प्लेन वहाँ से जाती है तो आपको वहाँ पर उतर जाना है, ठीक है। जब वहाँ पर उतरोगे तो आप देखोगे पैराशूट से, देख, ठीक है, तो पैराशूट से बंद होगा, उतरने का तरीका अलग होता है उनके पास, आजकल सबके पास स्कीन है। पर जो बोट उतरते हैं ना, बोट भी देखो पैराशूट से उतरते हैं, वहाँ पर बोट पैराशूट से उतरते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बोट मिलेंगे। मैं सिर से बोल रहा हूँ आपको, 6-7-5 किल तो आपको कहीं नहीं गई इजी भाई। आप दो टीममेट हो तो 6-7 किल 7-8 किल आराम से करके जाओगे वहाँ पे भाई। आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा बोट वहाँ पे मिलते हैं आपको सेंटर में। आपको क्या करना है, आपको वहाँ से गर्म उठा लेना है, बैरोस से देख लेना, अगर कोई टीम आ रही तो भाई कट लो उधर, ठीक है। टीम आ रही तो वहाँ से निकल लो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लड़ोगे तो माइनस लगेगा, बोट चक्कर में कैडी के चक्कर में आप भी जाओगे। आपको वहाँ पे उतरना है, आपको वहाँ पे उतरना है, अब आपको वहाँ से गर्म उठाना है, जितने भी 4-5 जितने भी किल मिले हैं आपको किल करना है वहाँ से, फिर भाई गाड़ी को पकड़ना है आपको, गाड़ी भी ढूंढना है वहाँ से, फिर आपको जोन के एच चलना है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई सेंटर में रहोगे तो हैकर मार के जाएगा, इसलिए जोन के एच चलना है आपको। अगर ऐसा करना जोन के एच चलना है, देखो आप लोग ट्राई करके देख लेना, अगर हुआ तो हो सकता तो लास्ट में मैं वीडियो डाल दूंगा उसकी थोड़ी सी क्लिप, अगर मैंने अभी शूट कर लिया, क्योंकि मैं फ़ोन थोड़ा बहुत ज़्यादा हमारा गर्म पड़ता है अगर स्क्रीन थोड़े चालू करते हैं, वैसे भी क्यों 30 FPS हमारे में चलता है स्मूथ हाई, सब तो समझ ही सकते हो आप लोग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं होता है क्राउन टावर के पीछे। क्राउन टावर के आ गए, मैं क्राउन 4 पे हूँ इस टाइम, 7000 में रहेंगे हमारी डू IPP में, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा बोट वहाँ पे मिलेंगे, आप जाके देख लेना भाई मेरे, सबसे ज़्यादा आपको बोट वहाँ पे मिलेंगे। अगर नहीं मिलते नीचे कमेंट करके बताना वीडियो में, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिलहाल मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी है, और हो सकता तो आगे क्लिप डाल दूंगा उस वीडियो में, ठीक है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना चैनल को, और भाई लोग शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, बताना ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।